पवन कॉन्सेप्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड के परमंडलों के नाम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो झारखंड में परमंडल हैं वो 5 हैं, है ना। और उन 5 परमंडलों में कौन कौन से जिले स्थित हैं उनको याद करने का बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक इस YouTube चैनल में आपको दिया जा रहा है। तो हम लोग 5 परमंडलों में सबसे पहला परमंडल को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। पहला परमंडल है दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल में स्थित जिलों के याद करने का बेहतरीन ट्रिक, है ना। तो आप ये जान सकेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल में कौन कौन से जिले जो हैं वो स्थित हैं तथा उनकी स्थापना कब की गई थी, है ना। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है राखी शिला दे गई गुमला मेला में। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल में कौन कौन से जिले हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो राज से हो जाएगा रांची, और रांची जिले की जो स्थापना है वो 1899 में की गई थी। खी से है खूंटी, और खूंटी की स्थापना 2007 में की गई थी। शिला से हो जाएगा सिमडेगा, और सिमडेगा की स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी। गुमला से हो जाएगा गुमला, और गुमला की स्थापना 1983 में की गई थी। मेला से हो जाएगा लोहरदग्गा, और लोहरदग्गा और लोहरदग्गा की जो स्थापना है वो की गई थी 1983 में। तो ये पहला परमंडल समाप्त हुआ। दक्षिणी छोटानागपुर में 5 परमंडल स्थित हैं और इन जिलों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले ट्रिक में, और अगला ट्रिक है दूसरा परमंडल का। दूसरा परमंडल हमारा है उत्तरी छोटानागपुर परमंडल में स्थित जिले। अब उत्तरी छोटानागपुर परमंडल में कौन कौन से जिले स्थित हैं तथा इनके स्थापना कब की गई थी, हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो ट्रिक क्या है, हरा बगीचा में दिल धक धक करो होगे माय, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे कि उत्तरी छोटानागपुर परमंडल में कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। ह से हो जाएगा हजारीबाग, और हजारीबाग की जो स्थापना है वो 1834 में की गई थी। फिर रा से हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़ की स्थापना कब की गई थी, 2007 में। ब से हो जाएगा आपका बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो। फिर च से हो जाएगा चतरा, और चतरा जिले की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। धक धक से हो जाएगा धनबाद, और धनबाद जिले की स्थापना 1956 को की गई थी। करो से हो जाएगा कोडरमा, 1994 में इसकी स्थापना की गई। और गे से हो जाएगा गिरिडीह, और गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में की गई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार जो है वो आप उत्तरी छोटानागपुर में स्थित जिलों को याद कर सकते हैं। अगला हम लोग परमंडल देखेंगे पलामू परमंडल। किसका देखेंगे, पलामू परमंडल। पलामू परमंडल में स्थित जिलों को याद करने का ट्रिक, ठीक है ना। तो पलामू परमंडल में 3 जिले स्थित हैं, उनको याद करने का जो ट्रिक है वो ट्रिक है पगला। और प से हो जाएगा पलामू, पलामू जिले की स्थापना जो है वो 1892 में की गई थी। ग से हो जाएगा गढ़वा, गढ़वा जिले की स्थापना 1991 में की गई थी। ला से हो जाएगा लोहरदग्गा, और लोहरदग्गा जिले की स्थापना 2001 में की गई थी। तो इस तरह से 3 जो परमंडल हैं उसके ट्रिक देखे। अब हम लोग देखेंगे चौथा परमंडल का ट्रिक, कोल्हान परमंडल में स्थित जिलों को याद करने का ट्रिक। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है पूर्व पश्चिम सरायकेला घुमाई दे रे छोरा, ट्रिक है पूर्व पश्चिम सरायकेला घुमाई दे रे छोरा। पूर्व से हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सरायकेला से हो जाएगा सरायकेला खरसावां, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अब जो हम लोग देखेंगे लास्ट परमंडल वो है संथाल परगना का, और हम लोग देखेंगे कि संथाल परगना परमंडल में कौन कौन से जिले स्थित हैं तथा इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका ट्रिक है DDGSJP, है ना। डी से हो जाएगा दुमका, और दुमका जिले की स्थापना 1855 में की गई थी। डी से फिर हो जाएगा देवघर, और देवघर जिले की स्थापना 1981 में की गई थी।
जी से हो जाएगा गोड्डा, गोड्डा जिले की स्थापना 1983 में की गई। जामताड़ा, जे से हो जाएगा जामताड़ा और जामताड़ा जिले की स्थापना 2001 में की गई थी। एस से हो जाएगा साहेबगंज 1983 ईस्वी में और पी से हो जाएगा पाकुड़ 1994 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ये भी जाने कि जो झारखंड में परमंडलों की संख्या है वो है 5, है ना, और 5 परमंडलों को आप इस धांसू ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो परमंडल है वो है आपका उत्तरी छोटानागपुर, जिसमें 7 जिले स्थित हैं, और सबसे छोटा परमंडल की अगर बात की जाए तो वो है पलामू परमंडल, जिसमें 3 जिले स्थित हैं। अगर कोई आपको पूछे कि नया परमंडल कौन है तो कोल्हान परमंडल, जिसमें से आपका उसमें भी 3 जिले स्थित हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से आप जो है वो झारखंड के 5 परमंडलों में स्थित जिलों को याद कर सकते हैं और कौन कौन से परमंडल स्थित हैं उनको भी याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस ट्रिक को आगे भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।